हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम आईपॉड के ऊपर एक प्रोजेक्ट को क्रिएट करने वाले हैं यूजिंग रिएक्ट जेएस। कि जब हम अपने आईपॉड प्रोजेक्ट को क्रिएट कर लेंगे तो हमारे पास ये स्क्रीन विजिबल होगी। और इस स्क्रीन में क्या है कि हमारे पास एक व्हील होगा जिसके अंदर हमारे पास फोर आइकन्स होंगे, 4D होंगे। फर्स्ट है हमारा मेन्यू, सेकेंड फास्ट फॉरवर्ड, प्ले पॉज एंड फास्ट बैकवर्ड। ओके, तो सबसे पहले हमारी ये स्क्रीन विजिबल होगी जिसके अंदर हमारा एक नैव बार है, और नैव बार में हमारा क्या है, आईपॉड टाइमिंग होगी जो हमारा करंट टाइम है, और ये हमारे पास एक बैटरी का लोगो होगा। ओके, सबसे पहले हमारे पास ये एक स्टेटमेंट लिखी होगी, प्रेस सेंटर बटन टू अनलॉक। इसको अनलॉक करने के लिए सबसे पहले हम सेंटर बटन को क्लिक करेंगे। ओके, तो हमारा जो इस बीच में जो हमारा ब्लैंक डिव है इस पर हम क्लिक करेंगे इसको अनलॉक करने के लिए। तो हमारे पास ये स्क्रीन विजिबल होगी, नैव बार में हमारा कुछ चेंज नहीं होगा। ओके, अब हमें क्या करना है, ये हमारे पास ये लिस्ट विजिबल होगी, नाउ प्लेइंग म्यूजिक गेम्स एंड सेटिंग्स। ओके, अब मुझे क्या करना है कि अब इस लिस्ट को चेंज करने के लिए, अगर मुझे नाउ प्लेइंग से म्यूजिक पे आना है, म्यूजिक से गेम्स पे आना है, तो मैं क्या करूँगी, जो हमारे पास ये व्हील है इसको रोटेट करूँगी। ओके, अगर मैं मेन्यू के राइट में रोटेट करती हूँ, राइट साइड में अगर मैं रोटेट करती हूँ तो हमारा नाउ प्लेइंग से म्यूजिक के पास जाएगा। बट अगर मैं मेन्यू के लेफ्ट साइड में रोटेट करती हूँ तो हमारा स्टार्टिंग में हमारा क्या है, नाउ प्लेइंग है, तुम्हारा लेफ्ट साइड में सेटिंग पे जाएगा। ओके, जैसे मैं मेन्यू पे मैंने क्लिक किया हुआ है। ओके, अगर मैं मेन्यू से लेफ्ट में क्लिक करती हूँ तुम्हारा म्यूजिक पे है, गेम्स पे है, फिर सेटिंग्स पे आएगा। ओके, मैं फिर से मेन्यू पे आ गई। बट अगर मैं लेफ्ट में मूव करती हूँ तुम्हारा सबसे पहले कहाँ पे गया, सेटिंग्स पे। ओके, अब जब मैं सेटिंग्स पे पहुंची हूँ तुम्हारा क्या हुआ, जब मैं सेटिंग्स पे आई तो हमारे इसका जो कलर है वो चेंज हो गया, और साइड में हमारी एक इमेज भी विजिबल हुई है सेटिंग्स की। ओके, अब जैसे ही मुझे गेम्स के ऊपर पहुंचना है, म्यूजिक, अगर मैं म्यूजिक के पास पहुंची हूँ तो मेरा क्या हुआ, म्यूजिक की इमेज विजिबल है। अगर जैसे ही मैं गेम्स के पास पहुंची हूँ तो हमारा गेम्स का इमेज विजिबल है। गेम्स को क्लिक करने के लिए, अगर मैं गेम्स को क्लिक करना चाहती हूँ से अपने जो हमारी लिस्ट है उसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करना चाहती हूँ, तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, जो हमारा ये ब्लैंक डिव है बीच में इसको मैं क्लिक करूँगी तो हमारा क्या हो जाएगा, ये विजिबल हो जाएगी स्क्रीन। ओके, अगर मुझे बैकवर्ड साइड में मूव करना है तो मैं फिर से मेन्यू पे क्लिक करूंगी तो हमारा बैकवर्ड साइड में हो गया। अब मुझे क्या करना है, इस लिस्ट को, इस आईपॉड प्रोजेक्ट को क्रिएट करना है यूजिंग रिएक्ट जेएस। ओके, तो उसके लिए हम कौन कौन से स्टेप्स हम फॉलो करेंगे और उसके क्या क्या प्रीरिक्विजिट हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है जो हमें आनी चाहिए इस प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए, तो वो सब चीजें मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगी। ओके, अब अगर मुझे म्यूजिक को प्ले करना है तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, लेफ्ट साइड में मूव, राइट साइड में मूव करूँगी। ओके, देन क्लिक ऑन दिस। म्यूजिक पे क्लिक करने के बाद हमारे पास 3 ऑप्शंस विजिबल हैं, ऑल सॉन्ग्स, आर्टिस्ट, एल्बम्स। ऑल सॉन्ग्स पे क्लिक करने के बाद हमारे पास जितने भी सॉन्ग्स हैं वो सारे आ गए। ओके, यहाँ पे अगर मैं सॉन्ग्स पे क्लिक करती हूँ तो हमारा ये सॉन्ग्स विजिबल हो जाएगा। ठीक है, अगर मुझे इस सॉन्ग को पॉज करना है तो मैं बीच में से इसको पॉज भी कर सकती हूँ, और यहाँ आप नीचे भी ऑप्शन देख रहे होंगे प्ले एंड पॉज का, प्ले से ये जो प्ले का बटन है इससे भी मैं प्ले कर सकती हूँ, और पॉज के बटन से पॉज भी कर सकती हूँ इसको। और मुझे अगर फिर से बैक में जाना है तो मैं मेन्यू पे क्लिक करूंगी। आ रही है बात समझ में? अब यहाँ पे क्या है, एक आर्टिस्ट का ऑप्शन है, एक एल्बम्स का। आर्टिस्ट पे क्लिक करने के बाद या एल्बम्स पे क्लिक करने के बाद हमारे पास एक ब्लैंक स्क्रीन विजिबल होगी जिसके अंदर हमारा क्या है, आर्टिस्ट है। इसी तरह हमारे पास एल्बम्स पे क्लिक करने के बाद हमारे पास क्या होगा, एक ब्लैंक स्क्रीन विजिबल होगी जिसके अंदर हमारा क्या है, एल्बम्स है। ओके, तुम्हारा म्यूजिक का पार्ट क्लियर हो गया। अभी हमारे पास एक लिस्ट है कि जैसे ही हम अपनी आईपॉड प्रोजेक्ट को अनलॉक करते हैं तो हमारे पास 4 लिस्ट विजिबल है, नाउ प्लेइंग म्यूजिक गेम्स एंड सेटिंग्स, 4 लिस्ट विजिबल है। अब जैसे ही मैं नाउ प्लेइंग के अंदर क्या है, कुछ भी नहीं है, करंटली जो हमारा सॉन्ग होगा वो ही हमारा प्ले होगा। ओके, म्यूजिक प्ले, म्यूजिक पे क्लिक करने के बाद हमारे पास 3 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, कौन कौन से, ऑल सॉन्ग्स, आर्टिस्ट एंड एल्बम्स, राइट। अब गेम्स पे क्लिक करने के बाद हमारे पास एक भी ऑप्शन विजिबल नहीं है, गेम्स पे क्लिक करने के बाद हमारे पास एक ब्लैंक स्क्रीन ओपन होगी जिसके अंदर गेम्स लिखा होगा। बट सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद हमारे पास 3 ऑप्शंस विजिबल है, थीम्स, व्हील कलर एंड वॉलपेपर। थीम्स के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो ये डिव है, जो हमारा ये आईपॉड है उसके थीम को चेंज कर सकते हैं। करंटली है हमारा क्या है, थोड़ा वाइट है, और इसकी थोड़ी जो बॉर्डर है वो ब्लैक है,
और ये जो हमारे आइकन्स है ना, फास्ट फॉरवर्ड, फास्ट बैकवर्ड, प्ले एंड पोज, ये कलर भी हमारे चेंज होंगे। लाइक मैं थीम्स पे क्लिक करती हूँ एंड करंटली हमारा स्नो वाइट है। लाइट से अगर मुझे ब्लैक करना है, मैं ब्लैक पे क्लिक करूंगी, यहाँ पे ऑन करूंगी, तो हमारा देखो थीम चेंज हो गया। एंड थीम चेंज होने के बाद जो हमारे आइकन्स है उनका कलर भी चेंज हुआ है, राइट। अब मैं फिर से बैक साइड में मूव करूंगी, यहाँ से मैं क्या करती हूँ, व्हील का कलर को भी चेंज कर सकती हूँ। करंटली हमारा जो व्हील है उसका कलर क्या है, वाइट है, बट अगर मैं ब्लैक ब्लैक को लेके आना चाहती हूँ तो मैं ब्लैक पे क्लिक करूंगी, तो हमारा क्या हो जाएगा, व्हील का कलर चेंज हो गया ब्लैक में। अब मुझे क्या करना है, अगर मुझे वॉलपेपर को चेंज करना है, आपको पता था जब हमने अपने आईपॉड प्रोजेक्ट को अनलॉक किया था तो हमारा एक एप्पल का लोगो आया हुआ था जो हमारा वॉलपेपर है, बट अगर मुझे अपना वॉलपेपर चेंज करना है, लेट से मुझे वॉलपेपर सेकंड है उसको लेके आना है अपनी स्क्रीन पे, तो आपने नोटिस किया कि जब मैं अपना थीम चेंज करती हूँ या फिर व्हील का कलर चेंज करती हूँ या मैं वॉलपेपर को चेंज करती हूँ, तो 1 सेकंड के लिए जो हमारा टाइम है वो डिस्प्ले होता है, मतलब जो 1 सेकंड के लिए जो हमारा टाइम है वो विजिबल नहीं होता है। देखो जैसे मैंने वॉलपेपर 3 है, अब मैं जब वॉलपेपर 3 पे क्लिक करूंगी तो हमारा जो टाइम होगा वो थोड़ी 1 सेकंड के लिए अनविजिबल हो जाएगा। सी वॉलपेपर चेंज, 1 सेकंड के लिए हमारा क्या हुआ, 1 सेकंड के लिए हमारा जो ये टेक्स्ट है वो ओपन हो गया कि वॉलपेपर 3 इज चेंज, वॉलपेपर इज चेंज, और जो हमारा 1 सेकंड बाद हमारा टाइम जो है फिर से आ गया। अब मैं फिर से मेनू पे क्लिक करती हूँ, सी कि हमारा जो वॉलपेपर है वो चेंज हो गया है। ओके तो हमें अपने इस आईपॉड प्रोजेक्ट को क्रिएट करना है, तो इस आईपॉड प्रोजेक्ट को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगी, अपने इस व्हील को डिजाइन करूंगी, जस्ट लाइक हम रिएक्ट जेएस के थ्रू हमें क्या करना है, इस प्रोजेक्ट को क्रिएट करना है, बट सबसे पहले मैं क्या करूंगी, स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे कि रिएक्ट जेएस के थ्रू हम इस आईपॉड प्रोजेक्ट को कैसे क्रिएट करते हैं और इसके रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, कि हमें रिएक्ट जेएस आनी चाहिए, नॉट एन एक्सपर्ट लेवल, बट अगर आपको रिएक्ट जेएस में फंक्शनल कॉम्पोनेंट्स या क्लास बेस्ड कॉम्पोनेंट्स आते हैं तो हमारा जो ये प्रोजेक्ट है वो अच्छे से क्रिएट हो जाएगा। आपको नेसेसरी क्या है, आपको रिक्वायरमेंट्स क्या है, कि आपको क्लास बेस्ड कॉम्पोनेंट्स आने चाहिए, वर्चुअल डोम क्या होता है, जेएसएक्स क्या होता है, बाकी कंस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं, आपको आपकी जो लाइफ साइकिल फीचर्स है क्लास बेस्ड कॉम्पोनेंट के अंदर, इन सब चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए इस प्रोजेक्ट को क्रिएट करने के लिए। बट अगर आपको इन सब चीज़ों की नॉलेज नहीं है तो आप सबसे पहले वो लेक्चर्स देख लीजिए कि क्लास बेस्ड कॉम्पोनेंट्स क्या होते हैं, उसके लाइफ साइकिल फीचर्स क्या होते हैं, देन आप इस प्रोजेक्ट पे जंप करो। ओके अब मैं स्टेप बाय स्टेप इस प्रोजेक्ट को क्रिएट करूंगी, तो उसके लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगी, अपना एक प्रोजेक्ट को क्रिएट करूंगी, और प्रोजेक्ट को क्रिएट कैसे करते हैं, npx create react app एंड प्रोजेक्ट नेम। ओके देन हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस व्हील को डिजाइन करेंगे, ये जो हमारा व्हील है इसको डिजाइन करेंगे, और इस व्हील के अंदर क्या है, व्हील के अंदर हमारे पास 4 डिव है, मेन्यू, फास्ट फॉरवर्ड, फास्ट बैकवर्ड, प्ले एंड पोज। सबसे पहले मैं एक व्हील को डिजाइन करूंगी जिसके अंदर हमारे ये 4 डिव है, और इसके अंदर एक डिव और है जो ये ब्लैंक में है, बीच में एक डिव और है जो हमारे क्या है, सेंटर में है ब्लैंक। ओके तो हम क्या करते हैं, अपनी कोडिंग पार्ट में आते हैं, कोडिंग स्टार्ट करते हैं इस प्रोजेक्ट को क्रिएट करने के लिए। बाकी इसका जो ओवरव्यू है कि हमें आईपॉड प्रोजेक्ट को क्रिएट कैसे करना है ये आपने देख लिया, अगर आपको कोई इश्यू आता है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिए, और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इमेजेस मिल जाएंगी इसकी, इसके अंदर जितनी भी इमेजेस हैं, जो इमेजेस मैं यूज़ करने वाली हूँ, जो वीडियोस में यूज़ करने वाली हूँ, जो सॉन्ग्स में यूज़ करने वाली हूँ, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हो। बाकी जो कोडिंग का पार्ट है उसे मैं अपने गिटहब पे अपलोड कर दूंगी, वहाँ से आपको लिंक मिल जाएगा। ओके तो हम अपने कोडिंग पार्ट में आते हैं, तो हमने अपने प्रोजेक्ट को क्रिएट कर लिया है। अब इस प्रोजेक्ट के अंदर क्या है, हमारा नोड मॉड्यूल्स पब्लिक SRC फोल्डर। ओके तो ये हमारी index.js फाइल है, इनिशियली हमारे इसके अंदर कुछ भी नहीं है। ओके कोई app.js कंपोनेंट नहीं है। अभी मैंने एक फोल्डर क्रिएट किया है स्टैटिक, अभी स्टैटिक फोल्डर के अंदर हमारे क्या है, हमारे पास सारी इमेजेस है, वॉलपेपर को अगर हमें चेंज करना है तो हमारे पास वॉलपेपर की इमेजेस है, थीम्स को चेंज करना है तो वो हमारा कलर हमें मिल जाएगा, बाकी जो इमेजेस हमारे पास आती हैं जब हम म्यूजिक को प्ले करते हैं तो हमारे पास जो इमेजेस हमें विजिबल होती है वो इमेजेस सारे हमने स्टैटिक फोल्डर के अंदर डाल रखी है, और स्टैटिक फोल्डर के अंदर हमारे पास एक फोल्डर और है सॉन्ग्स, इसके अंदर हमने अपना सॉन्ग्स को इंसर्ट किया है। ओके तो ये जो सॉन्ग्स है, वॉलपेपर की जो इमेजेस है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, वहां से आप एक्सेस कर सकते हो।
और ये हमारी इंडेक्स डॉट जेएस फाइल है। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें क्या करना है, व्हील डॉट व्हील, जो व्हील है उसको क्रिएट करना है। ओके, तो हम क्या करेंगे, अपने एसआरसी फोल्डर के अंदर आएंगे और यहाँ से हम एक फोल्डर क्रिएट करेंगे कॉम्पोनेंट। ओके, अब इस कॉम्पोनेंट फोल्डर के अंदर हमारी जितनी भी जेएस फाइल होगी उसको क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हम एप डॉट जेएस फाइल क्रिएट करते हैं। ओके, अब इस प्रोजेक्ट को क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना है, हम बेसिकली क्लास बेस्ड कंपोनेंट का यूज करेंगे, नॉट फंक्शनल कंपोनेंट, क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स का यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम इंपोर्ट कर लेते हैं रिएक्ट को, इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम। ओके, देन वी आर यूजिंग अ क्लास, क्रिएटिंग अ क्लास बेस्ड कंपोनेंट, क्लास एप React dot component, okay? और यहां से हम अपने इस component को export कर लेंगे, अपने class को export कर लेंगे, export default app, okay? तो हमारा जो app है वो create हो चुका है, हमारी जो app.js file है वो create हो चुकी है। अब इसके अंदर मैं क्या लिखूंगी, render Here I will return और okay. अब क्या करना है, मैंने अपनी app.js फाइल को क्रिएट कर लिया है। अब मैं क्या करूंगी, जो हमारी index.js फाइल है उसके अंदर मैं इंसर्ट कर दूंगी हमारा जो ऐप है, हमारी जो app.js फाइल है। ओके, इनिशियली हमारी app.js फाइल के अंदर कुछ भी नहीं है, एम्प्टी है। अभी हम क्या करते हैं, हमें क्या करना है, व्हील को क्रिएट करना है। तो व्हील को क्रिएट करने के लिए यहाँ पे मैं एक फाइल और क्रिएट कर लेती हूँ, व्हील डॉट जेएस, व्हील डॉट जेएस। ओके, तो हम क्या करेंगे, हम व्हील को क्रिएट करेंगे। तो इसमें भी हम क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स का यूज करते हैं। बाकी अगर आपको फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट का यूज करना है तो आप फंक्शनल कंपोनेंट्स का भी यूज कर सकते हो, बट अभी मैं इस प्रोजेक्ट को क्रिएट करने के लिए यहाँ पे क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स का यूज करूंगी और कुछ लाइफ साइकिल फीचर्स का भी यूज करूंगी। ओके, सो हियर आई विल आल्सो राइट इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट क्लास व्हील extends react dot component। ओके, तो हमने अपनी व्हील, जो हमारी व्हील फाइल है, व्हील डॉट जेएस फाइल है, उसको हमने क्रिएट कर लिया है अपने व्हील को क्रिएट करने के लिए। ओके, तो यहां से मैं अपनी एक्सपोर्ट कर लेती हूँ अपनी क्लास को, व्हील क्लास को, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट व्हील। ओके, तो अभी मुझे पता है हमें क्या करना है, व्हील को क्रिएट करना है। ओके, तो सबसे पहले मैं यहां पे लिख देती हूं रेंडर रिटर्न। ओके, तो ये हमारी क्या है, ये हमारा आईपॉड प्रोजेक्ट है और हमें इस व्हील को क्रिएट करना है। अब इस व्हील को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले मैं एक डिव को क्रिएट करती हूँ और इस डिव के अंदर मैं क्या करूंगी, अपने इस जो हमारा div होगा वो इट जस्ट लाइक अ रिएक्ट फ्रेगमेंट। ओके, और उसके अंदर मैं क्या करूंगी, अपना एक स्मॉल div क्रिएट करूंगी जिसके अंदर हमारे पास क्या होंगे, ये हमारे फोर div होंगे, मेन्यू, फास्ट फॉरवर्ड, फास्ट बैकवर्ड एंड प्ले पॉज आइकन्स, और हमारे एक सेंटर div भी होगा, ब्लैंक div। ओके, तो यहां से हम अपनी कोडिंग स्टार्ट करते हैं, div क्लास नेम यहां से मैं अपने div का नाम दे, क्लास नेम दे देती हूँ व्हील कंटेनर। ओके, सॉरी यहाँ पे हमारा
स्मॉल पैरेंथेसिस आएंगे, तो यहां से मैं अपने डिव को क्रिएट करती हूँ। ओके, तो ये हमारा मेन डिव होगा और इसके अंदर मैं यहाँ पे क्लास नेम का क्रिएट करती हूँ। हमारा जो क्लास नेम होगा वो मैंने क्या रख दिया, व्हील कंटेनर। आप कुछ भी रख सकते हो अपने अकॉर्डिंग। और यहाँ से मैं अपनी आईडी भी दे देती हूँ, आईडी भी मैंने रख दिया व्हील कंटेनर। ओके, अब ये हमारा इट जस्ट लाइक अ रिएक्ट फ्रेगमेंट। अब इसके अंदर हमारा एक डिव और होगा। ओके, अब इस डिव का नाम हमने रख दिया, इसमें भी हम क्लास नेम और आईडी दे देंगे। क्या होगा, इसका क्लास नेम मैंने रख दिया वी, और इसकी आईडी को मैंने दे दिया वी। ओके, अब जो ये हमारी जो मेन डिव है इसके अंदर हमारे क्या 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 है, हमारे पास फोर डिव और है जिसके अंदर हमारा मेन्यू है और हमारे जो आइकन्स हैं। ओके, यहाँ पे मैं फोर डिव को और क्रिएट कर लेती हूँ। यहाँ पे हमारे फोर डिव को मैं क्रिएट कर लेती हूँ। ओके, अब इस फोर डिव में भी अपने हमारा जो क्लास नेम है और उस आईडी है इसको भी मेंशन कर देती हूँ। जो आईडी होगी वो तो हमारी ऑब्वियसली यूनिक होगी, जो क्लास नेम होगा उसको मैं सेम दे देती हूँ ताकि जो उसका कलर है वो हमारा सेम हो। ओके, तो यहाँ से मैं इसका जो क्लास नेम है वो दे देती हूँ कंट्रोल, यहाँ से मैं इसका क्लास नेम दे देती हूँ सेम कंट्रोल। ओके, क्लास नेम कंट्रोल। ओके, अब मुझे क्या करना है, आईडी भी देनी है, तो इसकी मैंने आईडी को दे दिया। सबसे पहले ये हमारा क्या है, मेन्यू आइकन है, तो हम यहाँ पे मेन्यू को, जो मेरी आईडी है उसको मैंने मेन्यू दे दिया, और इसमें जो हमारी आईडी होगी वो हम क्या दे देंगे, फॉरवर्ड। इसमें मैं अपनी आईडी क्या दे दूंगी, प्ले पॉज। आप कुछ भी दे सकते हो अपने अकॉर्डिंग, इसमें मैं दे देती हूँ रिवर्स। ओके, तो ये हमारा मेन डिव है, मेन डिव के अंदर हमने फोर डिव को क्रिएट किया है। फर्स्ट डिव में हमारी जो आईडी है वो मैंने क्या दिया है, मेन्यू। सेकंड में हमारे फॉरवर्ड, प्ले पॉज एंड रिवर्स। ओके, अब इस डिव के अंदर हम क्या लिखेंगे, अपनी जो हमारे आइकन्स है इसको इम्पोर्ट करेंगे। तो आइकन्स को इम्पोर्ट करने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगी, मुझे क्या चाहिए, रिएक्ट आइकन्स चाहिए। तो रिएक्ट आइकन्स के लिए यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, जो रिएक्ट आइकन्स की जो लाइब्रेरी है उसको ही मैं इम्पोर्ट कर लूँगी। ओके, तो आइकन्स के लिए हम रिएक्ट आइकन्स का सॉफ्टवेयर यूज करेंगे। तो यहाँ से सबसे पहले हम अपने रिएक्ट आइकन्स है उसको इंस्टॉल कर लेते हैं, और उस जो हमारा कोड कमांड है कौन सी यूज करेंगे, npm install react icons। ओके, तो सबसे पहले मैं अपना टर्मिनल ओपन करती हूँ और यहाँ से अपने रिएक्ट आइकन्स की जो रिएक्ट आइकन्स को इंस्टॉल कर लेती हूँ। हियर आई विल राइट npm install react icons। तो यहाँ से मैं रिएक्ट आइकन्स को इंस्टॉल कर लूंगी। ओके, इतने ये हमारा इंस्टॉल होता है तब तक हम क्या करते हैं, जो हमारा ये मेन्यू का जो डिव है इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक डिव और क्रिएट कर लेंगे जिसके अंदर हम क्या लिखेंगे, मेन्यू। ओके, और ये जो बाकी तीन है इनके अंदर हमारे क्या आएंगे, हमारे जो आइकन्स है वो आएंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, आइकन्स को इंपोर्ट कर लेती हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, फॉरवर्ड, मुझे फॉरवर्ड आइकन चाहिए, तो हियर आई विल राइट फॉरवर्ड। ओके, सो
यहाँ से मैं कोई सा भी आइकन ले सकती हूँ, तो मैं ये वाला आइकन लेती हूँ फॉरवर्ड के लिए। तो यहाँ से मैंने इसको क्लिक करना तो ये आपका कॉपी हो जाएगा। और आपको क्या करना है, इसको इंपोर्ट करने के लिए, इस आइकन का यूज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा फ्रॉम रिएक्ट आइकन्स एआई। ओके, अब मुझे क्या करना है, मुझे प्ले और पॉज का भी आइकन चाहिए। सी कि मैं मुझे क्या चाहिए, फॉरवर्ड का आइकन चाहिए, मुझे मिल गया। अब मुझे क्या चाहिए, प्ले का आइकन चाहिए एंड पॉज का आइकन चाहिए। तो हमारे पास यहाँ पे टू आइकन्स हैं, तो मैं टू आइकन्स को लेके आना है। ओके, तो उसके लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगी, यहाँ पे मैं क्रिएट कर लूँगी अपने डिव को और अपने जो आइकन्स है उसको इम्पोर्ट कर लूँगी। ओके, अब इस डिव के अंदर मैं क्या करूँगी, अपने आइकन्स को इम्पोर्ट कर लूँगी। तो मुझे क्या चाहिए, प्ले का आइकन चाहिए, क्लिक ऑन प्ले। तो यहाँ से मुझे प्ले का आइकन मिल गया। यहाँ कॉपी करो इसको और अपने इस प्रोजेक्ट में मैं लेके आती हूँ। ओके, अपने इस आइकन को भी मैं इंपोर्ट कर लेती हूँ फ्रॉम रिएक्ट आइकन्स पीएस। मुझे पोज का आइकन्स और चाहिए तो मैं यहाँ पे पोज का आइकन्स भी ले लेती हूँ। जस्ट क्लिक ऑन दिस। देन मैं अपने इस पोज के आइकन्स को भी इंपोर्ट करती हूँ, इंपोर्ट फ्रॉम, देन आई विल राइट रिएक्ट आइकन्स बीआई। ओके, अब मुझे क्या चाहिए, मुझे बैकवर्ड का और आइकन चाहिए। मुझे फास्ट फॉरवर्ड का आइकन मिल गया, बैकवर्ड का भी आइकन चाहिए रिवर्स करने के लिए। तो सबसे पहले मैं रिवर्स का भी आइकन ले लेती हूँ यहाँ से। सो हियर आई विल राइट बैकवर्ड, क्लिक ऑन दिस एंड आई विल इम्पोर्ट इट हियर। तो अपने इस बैकवर्ड वाले आइकन्स को भी मैं इंपोर्ट कर लेती हूँ फ्रॉम रिएक्ट आइकन्स एआई। ओके, तो हमने अपने डिव को ऑलमोस्ट क्रिएट कर लिया है, बस हमें इसकी सीएसएस प्रॉपर्टीज को भी राइट करना है। तो हमने अपनी डिव के अंदर जो हमारी मेन डिव है उसके अंदर हमने फोर डिव को क्रिएट किया है, जिसके अंदर हमारा मेन्यू है, फास्ट फॉरवर्ड, फास्ट बैकवर्ड एंड हमारे प्ले एंड पोज का आइकन है। ओके, तो यहाँ से हम अपनी स्टाइल भी दे सकते हैं, अपनी आईडी भी दे सकते हैं। तो ये सब चीजें हमें, जो बैकग्राउंड कलर होगा, जो हमारा कलर होगा वो हमारे उसके लिए हमें क्या करना है, जो कलर है और बैकग्राउंड कलर है उसको डायनेमिक रखना है ताकि वो हमारा चेंज हो सके। तो उसके लिए हम अपने फंक्शन को क्रिएट करेंगे, तो ये सब चीजें हम बाद में देखते हैं। सबसे पहले हमारा जो मेन फोकस है वो क्या है कि हमें इस व्हील को डिजाइन करना है। ओके, तो हमारा जो काम है वो बेसिकली हो चुका है कि हमने अपने डिव को क्रिएट कर लिया है। अब मुझे एक डिव और क्रिएट करना है, जो बीच सेंटर में जो हमारा ये सर्कल है, सेंटर के अंदर जो हमारा ये सर्कल है, हमें इस डिव को और क्रिएट करना है। इट जस्ट लाइक अ ब्लैंक डिव। ओके, तो हम अपने इस डिव को भी क्रिएट कर लेते हैं। तो यहां से मैं अपने क्लास नेम दे सकती हूँ इस डिव का, दैट इज लाइक अ ब्लैंक। ओके, तो यहां से मैं अपनी आईडी भी दे सकती हूँ अपने ब्लैंक। ओके, तो हमारा ब्लैंक डिव है, इसकी जो सीएसएस प्रॉपर्टीज है। तो अब हम अपनी इसकी जो सीएसएस प्रॉपर्टीज है उसको स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये हमारा कंपोनेंट फोल्डर हो गया, स्टैटिक फोल्डर हो गया, हम एक फोल्डर और क्रिएट कर लेते हैं सीएसएस का।
जिसके अंदर हम अपनी CSS फाइल को क्रिएट करेंगे। अब इस CSS फाइल के अंदर हम क्रिएट करते हैं अपनी wheel डॉट CSS फाइल को, और इस फाइल के अंदर हम अपनी सारी CSS फाइल को राइट करते हैं। ओके करते हैं जो हमारी wheel डॉट JS फाइल है, तो इसके अंदर हमारा जो मेन डिव है दैट इज व्हील कंटेनर, तो हम इसको राइट करते हैं व्हील कंटेनर। ओके तो हमें क्या करना है, हमें जस्ट जस्ट लाइक हमें व्हील को क्रिएट करना है, तो हमारा जो ये व्हील कंटेनर है दैट इज माय मेन डिव। ओके तो इसकी मैं पोजीशन को क्या रख सकती हूँ, तो मैं इसकी पोजीशन को रिलेटिव रखती हूँ। मैं यहाँ से इसकी विड्थ को दे देती हूँ, जो हमारी विड्थ होगी, जो हमारा व्हील होगा इसकी मैं विड्थ दे देती हूँ 200 पिक्सल। ओके इसकी जो हाइट है इसको भी मैं दे देती हूँ 200 पिक्सल। एंड देन सम मैं इसमें कुछ मार्जिन भी ऐड कर देती हूँ टॉप से ऑटो, ताकि ये हमारा जो टॉप और डाउन थोड़ा इक्वल रहे। और मैं यहाँ पे डिस्प्ले प्रॉपर्टी ऐड कर देती हूँ डेट इज़ अ फ्लैक्स। ओके तो हमारी जो एप डॉट जी एस फाइल है इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, अपनी व्हील डॉट जी एस फाइल को मैं राइट करती हूँ व्हील डॉट जी एस फाइल। ओके अब मैं अपने प्रोजेक्ट को रन करके देखती हूँ हमारा जो व्हील है वो किस तरह से डिजाइन हुआ है। npm start it will take some few minutes then we will see our v.js। okay तो ये हमारा ओरिजिनल ड्यू था, हम अपना देखते हैं कि हमारा जो प्रोजेक्ट है हमारा जो व्हील है वो किस तरह से क्रिएट हुआ है। लेट्स सी सी हमारे जो आइकन्स है वो विजिबल है, इनिशियली हमारे पास कुछ भी नहीं है, हमें इस व्हील को डिजाइन करना है। ओके तो हमने अपनी व्हील कंटेनर जो है उसकी विड्थ और हाइट को हमने एडजस्ट कर लिया डेट इज 200 पिक्सल। उसकी पोजीशन को हमने क्या रखा है, रिलेटिव डिस्प्ले फ्लैक्स। तो यहाँ से हम अपनी CSS प्रॉपर्टीज को ऐड करते हैं। ओके तो जो हमारा व्हील है इसमें मैं क्या करूँगी, मुझे व्हील जो है सेंटर चाहिए, आई मीन सर्कुलर फॉर्म में चाहिए, तो मैं बॉर्डर रेडियस को 50% रख देती हूँ। बॉर्डर रेडियस ओके देन आई विल राइट कर्सर पॉइंटर। ओके देन आई विल राइट पोजिशन रिलेटिव। ओके एंड माई विड्थ इज 200 पिक्सल, हाइट इज ऑल्सो 200 पिक्सल। और मैं अपने जो व्हील है उसका बैकग्राउंड कलर भी दे देती हूँ दैट इज वाइट। लेट्स सी इनिशियली हमारे पास कुछ नहीं है क्योंकि हमारा बैकग्राउंड कलर भी वाइट है और व्हील का कलर भी हमने वाइट ही दिया है। बट हम अपने जो हमारा इंडेक्स डॉट जी एस है उसमें हम अपना बैकग्राउंड को चेंज कर लेंगे। देन हम क्या करते हैं, हमारे जो आइकन्स हैं उसकी CSS प्रॉपर्टीज को ऐड करते हैं। हम जो आइकन्स है उसका क्लास नेम क्या था, कंट्रोल। ओके सो हियर आई विल राइट कलर, और कलर मैं दे देती हूँ RGB 210 210 एंड 210। ओके फॉन्ट वेट मैं रख देती हूँ 900, पोजीशन में रख देती हूँ एब्सोल्यूट।
ताकि इसकी पोजीशन को मैं करेक्ट कर सकती हूँ। ओके सी, हमारी जो wheel.js फाइल थी इसमें हमारे जो जितने भी फोर डिव्स थे उसका क्लास नेम क्या था? कंट्रोल। ओके अब मैं क्या करूंगी, जो ये हमारा मेन्यू डिव है इसकी आईडी क्या थी? मेन्यू। इसके अंदर मैं अपनी सीएसएस प्रॉपर्टीज को ऐड करती हूँ। सो हियर आई विल राइट हैशटैग मेन्यू। इसकी पोजीशन को मैं रख देती हूँ, क्योंकि इसकी पोजीशन को मैंने क्या रखा है, जितने भी हमारे आइकन्स है उसकी एब्सोल्यूट, तो मैं यहाँ पे लेफ्ट में दे देती हूँ 38%, टॉप में दे देती हूँ 11%, राइट फॉन्ट वेट दैट इज 900, फॉन्ट साइज दैट इज 18 pixel, आई विल ऑल्सो गिव विथ ऑफ दैट टेक्स्ट दैट इज 40 pixel। यू कैन चेंज इट अकॉर्डिंगली, लाइक अगर आपको इसकी विड्थ हाइट को चेंज करना है, आप इसको थोड़ा सा इंक्रीज और डिक्रीज करना है, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो। ओके सो मैं यहाँ पे अपने हाइट को भी ऐड कर सकती हूँ, जो हमारा मेन्यू है उसकी हाइट को मैं लग देती हूँ 20 pixel। तो हमारा जो टॉप में हमारा क्या आएगा? मेन्यू आएगा। अब मुझे क्या करना है, रिवर्स को भी, जो हमारा रिवर्स वाला आईडी था ओके सबसे पहले हमने मेन्यू की पोजीशन को फिक्स किया था, जिसमें हमने लेफ्ट दिया था उसका 38%, टॉप से हमने दिया था उसका 11%। अब ये हमारा क्या है, रिवर्स वाला आइकन है, इसमें भी हम लेफ्ट से दे देंगे थोड़ा सा 10%, ताकि ये हमारा एडजस्ट हो सके। सो लेट्स राइट लेफ्ट 10%। हमने जो हमारी build.js फाइल है इसके अंदर हमने जो हमारी css फाइल है इसको इंपोर्ट नहीं किया है। सबसे पहले हम इंपोर्ट कर लेते हैं जो इसकी css फाइल है। ओके सो हियर आई विल ऐड css। इसमें हमारा क्या है, build.css। ओके तो हमने अपनी css फाइल को इंपोर्ट कर लिया। लेट्स सी build.css css डज नॉट मैच द कोरस्पोंडिंग नेम src css build.css। ओके सो हमें इसका नेम स्मॉल करना है w। ओके तो हमारा जो मेन्यू है, जो हमारे आइकन्स है उसका हमने बैकग्राउंड कलर चेंज कर दिया। अब हम इसकी पोजीशन को भी करेक्ट करते हैं। आई विल कम टू माई सी एस एस फाइल, देन आई विल राइट द सी एस एस प्रॉपर्टीज। हमने इसकी लेफ्ट को दिया है 10%। ओके तो यहाँ से मैं इसका टॉप दे सकती हूँ दैट इज 50%। ओके आई विल राइट फॉन्ट साइज दैट इज 23। या जो हमारा रिवर्स का आइकन है बैकवर्ड का, फास्ट बैकवर्ड, ये हमारा करेक्ट है। बाकी अब मैं क्या करूँगी, अपना फॉरवर्ड आइकन्स को भी यहाँ पे स्टेबलाइज कर लूँगी। ओके तो हमने इसमें लेफ्ट में 10% दिया था, आपकी बार हम क्या करेंगे, राइट में 10% देंगे। फॉरवर्ड राइट 10%, देन आई एम राइट टॉप से मुझे उतना ही देना जितना हमने रिवर्स में दिया था 45%, और इसका फॉन्ट साइज भी हम उतना ही देंगे जितना हमने रिवर्स में दिया था डेट इज 23 pixel। ओके अब मैं क्या करूँगी, जो हमारा प्ले और पोज का जो आइकन है
इसकी CSS प्रॉपर्टीज को ऐड करती हूँ एंड आई विल राइट बॉटम। बॉटम में मुझे देना है 11%, जितना मैंने टॉप में दिया था 11% उतना ही मैं बॉटम में दे देती हूँ। लेफ्ट में मैं दे देती हूँ 44%, फिफ्थ में दे देती हूँ 40 pixel, आई विल गिव हाइट दैट इज 20 pixel। लेट्स चेक। ओके, या तो हमारा जो व्हील है वो करेक्टली हमारा डिजाइन हो चुका है लाइक दिस। ओके, अभी एक चीज और बचती है कि हमारे इस व्हील के अंदर जो हमारा ये बीच में जो सेंटर में जो डिव है हमें इसको भी क्रिएट करना है। ओके, तो यहाँ से मैं अपने सेंटर डिव को भी क्रिएट कर लेती हूँ। तो उसका जो सीएसएस था वो क्या था, ब्लैंक, आईडी भी हमारा ब्लैंक, जो क्लास नेम और जो आईडी थी वो हमने ब्लैंक दी हुई थी। सो हियर आई विल राइट ब्लैंक। इसकी जो मैं विड्थ है वो दे देती हूँ 80 pixel, हाइट भी सेम रखती हूँ दैट इज 80 pixel, और इसकी जो बॉर्डर रेडियस है उसको 50% कर देती हूँ सर्कुलर मिलाने के लिए 50%। और इसका बैकग्राउंड कलर दे देती हूँ जो हमने अपने आइकन्स को दिया था दैट इज सिल्वर कलर। ओके, इसी पोजीशन को भी मैं एब्सोल्यूट कर देती हूँ इसको सेंटर में लाने के लिए। सो लेफ्ट से दे देती हूँ मैं इसका 31%, और टॉप से दे देती हूँ 27%। लेट्स चेक। इट्स लुकिंग गुड। लेफ्ट राइट से सेम है बट आई थिंक हमें डाउन से थोड़ा सा गैप ज़्यादा है, तो मैं लेफ्ट टॉप से थोड़ा सा और इंक्रीज कर दे देती हूँ 30%। नाउ लेट्स चेक। या इट्स लुकिंग फाइन। तो हमारा जो व्हील है वो क्रिएट हो चुका है। ओके, अब हम क्या करते हैं, हम अपने नैव बार को क्रिएट करते हैं। अब हमारा जो नैव बार है उसको क्रिएट करते हैं। हमारे इस नैव बार के अंदर क्या है, हमारे पास ये एक स्क्रीन विजिबल होगी जिसके अंदर हमारा लिखा होगा प्रेस सेंटर बटन टू अनलॉक। ओके, जो भी इसकी फंक्शनैलिटी है लाइक कि हम व्हील को रोटेट करने के बाद हमारी जो लिस्ट है वो कैसे चेंज हो रही है, ये सब फंक्शनैलिटी हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम इसकी सीएसएस प्रॉपर्टीज को डिजाइन करेंगे, आई मीन जो हमारा आईपॉड प्रोजेक्ट है उसको डिजाइन करेंगे, देन हम उसकी फंक्शनैलिटी पे आएंगे। ओके, तो हमारा जो व्हील है वो क्रिएट हो चुका है। मैं क्या करूंगी, अपनी CSS फाइल के अंदर मैं एक फाइल और क्रिएट करती हूँ दैट इज index.css। ओके, अब इस index.css फाइल के अंदर जो हमारा iPod प्रोजेक्ट है उसको मैं मेन बीच में ले आती हूँ, और इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो भी दे देती हूँ। ओके, सो हियर आई विल राइट बॉडी डिस्प्ले फ्लेक्स विथ 100 हाइट को मैं रखती हूँ 90। ओके, आई कैन ऑल्सो गिव बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर जो मैंने दिया ग्रे। ओके, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ताकि जो हमारा आईपॉड प्रोजेक्ट है वो हमारा सेंटर में आ जाए। हियर आई विल ऑल्सो एड अलाइन आइटम डेट इज सेंटर। ओके, मार्जिन दे देती हूँ 0, और अपने जो index.css फाइल है इसको मैं ऐड कर देती हूँ अपनी index.js प्रोजेक्ट में। तो मैं इस अपने प्रोजेक्ट में index.css प्रॉपर्टीज को index.css फाइल है उसको ऐड कर देती हूँ। सो हियर आई विल राइट इंपोर्ट OK,
तो मैंने अपनी इंडेक्स डॉट सी एस फाइल को ऐड कर दिया इंडेक्स डॉट जी एस फाइल के अंदर एंड लेट्स सी अवर आउटपुट, राइट, कि हमारा बैकग्राउंड कलर हमने ग्रे ऐड कर दिया और जो हमारा व्हील था उसका हमने बैकग्राउंड कलर वाइट रखा था और इसको सेंटर लाने के लिए हमने अलाइन आइटम सेंटर जस्टिफाई कंटेंट सेंटर रख दिया। हमारा व्हील डिजाइन हो चुका है, अब मुझे क्या करना है, व्हील को हमने डिजाइन कर लिया, अब हमारा मेन फोकस क्या रहेगा कि जो हमारा अपर पार्ट है इसको हमें डिजाइन करना है, तो हम उसके लिए एक जेएस फाइल को क्रिएट कर लेते हैं अपने इस कंपोनेंट फोल्डर के अंदर। सो मैं उसका नाम रखती हूँ डिस्प्ले डॉट जेएस फाइल, ओके। तो यहाँ से मैं अपना अपनी जो डिस्प्ले डॉट जी एस एस फाइल है इसको इंपोर्ट कर लेती हूँ क्लास डिस्प्ले एक्सटेंस वेब डॉट कॉम्पोनेंट, ओके। तो उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे रिएक्ट को इंपोर्ट कर लेती हूँ, इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम इसको मैं एक्सपोर्ट कर लेती हूँ, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट डिस्प्ले, ओके। तो अपने इस डिस्प्ले डॉट जी एस फाइल के अंदर हमारा जो आईपॉड प्रोजेक्ट का जो अपर पार्ट है इसको हम इसका कोड हम राइट करेंगे, ओके। तो सबसे पहले हम मैं यहाँ लिख देती हूँ जेंडर, देन आई विल राइट रिटर्न, ओके। तो सी कि जो हमारा आईपॉड का प्रोजेक्ट है, जो हमारा इसका अपर पार्ट है, इसके अंदर हमारी क्या क्या चीजें मेंशन है, हमारे पास बहुत सारी चीजें मेंशन है। जब मैं अपने इस सेंटर बटन पे क्लिक करती हूँ, इसको अनलॉक करती हूँ, तो हमारे पास बहुत सारी चीजें मेंशन है, राइट। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, सबसे पहले मैं एक नेवबार को क्रिएट करूंगी, जो हमारे नेवबार के अंदर क्या है, आईपॉड है एंड जस्ट इसका टाइमिंग है कि जो हमारा टाइमिंग है वो भी चेंज होता है, ओके, जो हमारा करंट टाइमिंग है। और इनिशियली ये हमारी क्या है, हमारा एक बैटरी की इमेज है, मुझे वॉलपेपर चाहिए, एक लॉक स्क्रीन चाहिए, नैव बार को क्रिएट करना है और एक लॉक स्क्रीन को क्रिएट करना है, जिसके थ्रू मैं क्या करूँगी अपने इस आईपॉड को क्या करूँगी अनलॉक करूँगी सेंटर बटन को प्रेस करके। तो अपने इस डिस्प्ले डॉट जी एस को मैं क्या करती हूँ, एज ए पेरेंट कॉम्पोनेंट क्रिएट करती हूँ और इस पेरेंट कॉम्पोनेंट के अंदर मैं टू फाइल को इंसर्ट करूँगी, द फर्स्ट वन इज योर नैव बार डॉट जी एस एंड द सेकेंड इज योर लॉक स्क्रीन डॉट जी एस। तो यहाँ से मैं एक फाइल और क्रिएट कर लेती हूँ अपने इस कंपोनेंट फोल्डर के अंदर, डेट इज नेवबार डॉट जे एस, ओके। और अपने इस कंपोनेंट फोल्डर के अंदर एक फाइल और क्रिएट कर लेती हूँ लॉक स्क्रीन। ठीक है, और मैं यहाँ से इंपोर्ट कर लेती हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पे क्रिएट करती हूँ जो हमारी नेवबार डॉट जे एस है, डेट इज आई हियर आई विल राइट क्लास navbar extends react dot component। यहाँ पे मैं इंपोर्ट कर लेती हूँ रिएक्ट को, रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, ओके। फिर यहाँ से मैं एक्सपोर्ट कर, ओके, जस्ट कॉपी दिस कोड एंड राइट इट इन लॉक स्क्रीन एंड चेंज इट्स नेम, ओके। तो हमने यहाँ पे टू फाइल को क्रिएट कर लिया, नेवबार डॉट जी एस फाइल एंड लॉक स्क्रीन डॉट जी एस फाइल, ओके। और अपने इस डिस्प्ले डॉट जी एस फाइल के अंदर मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लेती हूँ ये हमारे टू चाइल्ड कॉम्पोनेंट्स, द फर्स्ट वन इज योर नेवबार एंड द सेकेंड इज लॉक स्क्रीन। लॉक स्क्रीन just import it,
ओके, तो हमने अपने इस डिस्प्ले डॉट जेएस फाइल के अंदर अपने नेवबार और लॉक स्क्रीन को क्रिएट कर लिया। अब मैं क्या करूँगी, इस डिस्प्ले डॉट जेएस फाइल को अपने इस ऐप डॉट जेएस फाइल के अंदर मैं लेके आती हूँ। तो हमारा जो डिस्प्ले डॉट जेएस है, जो हमारा अपर पार्ट है, हमारे व्हील के ऊपर आएगा। सो हियर आई विल राइट डिस्प्ले। यहाँ पे भी मैंने एज ए पेरेंट कॉम्पोनेंट यूज नहीं किया। इसके अंदर मैं रख देती हूँ व्हील, देन मैं यहाँ पे ऐड कर देती हूँ हमारा डिस्प्ले। ओके, तो इनिशियली इंपोर्ट लॉक स्क्रीन फ्रॉम लॉक स्क्रीन, जस्ट रिफ्रेश दिस। मॉड्यूल बिल्ड फेल इन इंडेक्स डॉट जेएस फाइल, लॉक स्क्रीन हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड। जस्ट सीन डिस्प्ले टू जीएस फाइल, कमेंट दिस। गो टू इंस्पेक्ट, द अबव एरर अकर्ड इन नेवबार डॉट कॉम्पोनेंट एंड लॉक स्क्रीन डॉट कॉम्पोनेंट, कंसिडर एडिंग एन एरर बाउंड्री टू योर ट्री। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपने नेवबार डॉट जेएस फाइल के अंदर अपने नेवबार को क्रिएट कर लेते हैं। इनिशियली इसके अंदर कुछ नहीं, आई विल राइट रेंडर, देन आई विल राइट रिटर्न। ओके, यही सेम चीज मैं अपनी लॉक स्क्रीन डॉट जेएस के लिए करूंगी। ओके, जस्ट कॉपी दिस एंड राइट इट हियर आल्सो। सी, सो हमारा व्हील डॉट, जो हमारी व्हील है वो क्रिएट हो चुकी है। अब मुझे क्या करना है, डिस्प्ले, अब हमारा जो अपर पार्ट है उसको डिस्प्ले करवाना है। तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, हमारा सबसे पहले एक नैव बार चाहिए। ओके, जब हमारा आईपॉड प्रोजेक्ट जो क्रिएट होगा, तो सबसे पहले हमारी जो स्क्रीन है वो ये विजिबल होगी। ओके, हमने अपना व्हील डॉट जे एस एस को क्रिएट कर लिया है, जो हमारा अपर पार्ट है, इसके अंदर हमें क्या चाहिए, नैव बार चाहिए। और सेकेंड पार्ट हमें क्या चाहिए, हमारी लॉक स्क्रीन चाहिए। ओके, तो हम अपने नैव बार को क्रिएट कर लेते हैं सबसे पहले। ओके, तो हमारे नैव बार में क्या क्या चीजें हैं, हमारे नैव बार में एक चीज है कि हमारे पास सबसे पहले हमारा आईपॉड लिखा हुआ है, दूसरा हमारा टाइमिंग है, और थर्ड हमारा क्या है, एक बैटरी का इमेज है। ओके, तो टाइमिंग हमें कौन सी लेनी है, जो हमारा करंट टाइम है वो शो करना है। तो करंट टाइम के लिए तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, सबसे पहले यहाँ पे मैं एक स्टेट बना लेती हूँ। तो स्टेट बनाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्टर को क्रिएट करती हूँ, देन आई विल राइट सुपर। अगर आपको क्लास बेस्ड कंपोनेंट नहीं आता लग, और आपको ये नहीं पता कि आपको कंस्ट्रक्टर क्यों यूज करना है, सुपर कीवर्ड क्यों यूज करना है, एंड जस्ट कि यू ऑल्सो डोंट नो लाइक हम स्टेट्स को कैसे क्रिएट करते हैं, तो ये प्रोजेक्ट को आपको समझ में नहीं आएगा। अगर आपको इस प्रोजेक्ट को क्रिएट करना है, तो सबसे पहले आपको क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स आने चाहिए। आपको इसमें, इस प्रोजेक्ट में मैं लाइफ साइकिल फीचर्स का भी यूज करने वाली हूँ, लाइक कंपोनेंटेड माउंट, कंपोनेंटेड अनमाउंट अपडेट। तो ये सब चीजों की नॉलेज आपको होनी चाहिए। ओके, सो हेयर आई विल राइट दिस डॉट स्टेट इक्वल। अब यहाँ पे मैं टाइम लिख लेती हूँ। इनिशियली हमारा टाइम क्या होगा, दिस डॉट करंट टाइम। ओके, तो मैं क्या करूंगी, मैंने एक स्टेट क्रिएट किया जिसके अंदर मेरा क्या है, करंट टाइमिंग है। ओके, तो यहां से मैं एक फंक्शन को क्रिएट करती हूँ अपने इस क्लास बेस्ड कंपोनेंट के अंदर, जो हमारा क्या बताएगा, करंट टाइम। ओके,
So here I will write get current time. तो मैंने अपने एक फंक्शन को क्रिएट कर लिया जो मुझे अपना करंट टाइम है उसको शो करेगा। तो सबसे पहले उसके लिए मैं क्या करती हूँ, मुझे सबसे पहले क्या चाहिए, डेट चाहिए करंटली जो हमारी डेट है, न्यू डेट। ओके, अब जो हमारी डेट है उसके अकॉर्डिंग मुझे क्या चाहिए, टाइम चाहिए। सो हियर आई विल राइट टाइम, देन आई विल राइट टूडे डॉट गेट। सबसे पहले मुझे क्या शो, सॉरी सो सॉरी, सबसे पहले मुझे क्या शो करना है कि अगर हमारा टाइमिंग लेट से इस फॉर्म में है, ओके, तो ये हमारा क्या शो कर रहा है कि हमारे ये जो 12 है इट मीन्स ये हमारे आवर्स शो कर रहे हैं और 03 ये हमारे मिनट्स को शो कर रहा है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हमें आवर्स चाहिए, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे आवर्स लिख लेती हूँ, गेट आवर्स। ओके, अब मुझे क्या करना है, बीच में मुझे एक कोलोन का सिंबल ऐड करना है, तो हेयर आई विल राइट। ओके, अब मुझे क्या चाहिए, टाइम मिनट्स चाहिए, तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ गेट मिनट्स। एंड सी जो हमारे मिनट्स आएंगी, लेट्स से अगर हमारे मिनट्स 3 है तो ये हमारे मिनट्स इस तरह से होंगी। अब मैं चाहती हूँ कि अगर हमारी जो मिनट्स है वो 10 से लेस है तो हमारी क्या हो, 3 से आगे हमारा 0 विजिबल हो, बट अगर हमारी 10 से ग्रेटर है तो ऑब्वियसली हमारी टाइमिंग हमारी ये होगी, राइट। बट अगर हमारा जो मिनट्स है वो 10 से लेस है तो हमारा जो टाइमिंग है मिनट्स है उसके आगे आगे हमें क्या करना है, 0 को और ऐड करना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, इफ अगर मेरा जो डेट है जो हमारी मिनट्स है डॉट गेट मिनट्स, इफ इट इज लेस देन 10 then what will I do, I will just add, I will update my time today। तो यहाँ से मैं अपने इस टाइम को कॉपी कर लेती हूँ, ओके, और यहाँ से मैं ऐड कर लेती हूँ 0। ओके, अब हमें टाइम मिल गया, तो यहाँ से मैं अपना रिटर्न कर देती हूँ टाइम। ओके, तो हमने अपने फंक्शन को क्रिएट कर लिया जिसके थ्रू हमें क्या मिल जाएगा, हमारा करंट टाइम। देन हियर आई विल राइट कॉन्स्ट टाइम इक्वल टू दिस डॉट स्टेट। अब मुझे इस टाइम को अपने इस नेवबार के अंदर लेके आना है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक टिव को क्रिएट कर लेती हूँ और इस डिव के ग्रुप क्लास नेम दे देती हूँ, लेट्स से बार नया बार। ओके, अब मुझे क्या करना है, मुझे एक हेडिंग शो करवानी है अपने इस नया बार में, दैट इज आईपो। ओके, तो यहाँ से मैं अपनी हेडिंग को शो करवा देती हूँ, लेट्स से H5। हियर आई विल राइट H5, I will write और अपने इस हेडिंग में मैं क्लास नेम दे देती हूँ, दैट दिस इज माय हेडिंग। ओके, और अपने इस हेडिंग के अंदर मैं राइट कर देती हूँ आईकॉन। अब मुझे क्या इंसर्ट करना है, हमारा टाइम, तो यहाँ पे मैं टाइम दे देती हूँ H3 और टाइम हमारा क्या होगा, जो हमारा करंट टाइम। इसका मैंने क्लास नेम दे दिया टाइम। अब मुझे एक बैटरी का लो इमेज भी चाहिए, तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक डिव को क्रिएट कर लेती हूँ,
हमने डिव को क्रिएट कर लिया। अब मुझे क्या चाहिए, यहाँ से मैं अपना डिव को क्लास नेम दे देती हूँ, डेट इज माई राइट कंटेनर नेव। ओके, और मुझे क्या करना है, अपने इमेज बैटरी का इमेज को ऐड करना है। सो आई विल ऐड क्लास नेम डेट इज बैटरी एंड आई विल राइट सोर्स। तो यहाँ से मैं अपने सोर्स को ऐड कर देती हूँ। ओके, तो अब मुझे क्या चाहिए, हमें मुझे बैटरी की इमेज चाहिए, तो मैं यहाँ पे बैटरी की इमेज को इंपोर्ट कर लेती हूँ। अपने जो हमारी बैटरी की इमेज है वो स्टैटिक फोल्डर के अंदर है, तो यहाँ से मैं इंपोर्ट कर लेती हूँ। सबसे पहले इंपोर्ट स्टैटिक, मुझे क्या चाहिए, बैटरी बैटरी डॉट पीएनजी। हियर आई विल राइट बैट आईएनजी। ओके, यहां से मैं अपनी इमेज दे देती हूँ। तो हमारा जो नेवबार का जो नेवबार जो है हमारा क्रिएट हो चुका है। लेट्स सी, दिस डॉट करंट टाइम इज नॉट अ फंक्शन। तो हमारा जो फंक्शन है उसका नेम क्या था, गेट करंट टाइम। यहां से मैं लिख देती हूँ गेट करंट टाइम। तो अभी हमने अपनी CSS फाइल को ऐड नहीं किया है, इनिशियली हमारा बैटरी का लोगो अवेलेबल है और ये हमारी wheel.js फाइल है। ओके, तो अब मैं क्या करती हूँ, अपनी CSS फाइल को भी ऐड कर लेती हूँ। सबसे पहले मैं क्रिएट करती हूँ अपनी CSS फोल्डर के अंदर navbar.css फाइल, navbar.css। ओके, यहाँ से मैं मुझे एक फाइल और क्रिएट करनी है लॉक स्क्रीन के लिए, लॉक स्क्रीन डॉट सी। ओके, तो हमने अपने नैव बार को क्रिएट कर लिया जिसके अंदर मुझे अपनी हेडिंग को ऐड करना है, डेट इज आईपॉड, मुझे टाइम को ऐड करना है और मुझे क्या ऐड करना है, अपनी बैटरी की इमेज को। ओके, यहाँ से हमने अपने फंक्शन को क्रिएट कर लिया जिसके थ्रू हम अपने टाइम को ऐड करेंगे। और हमें अब क्या करती हूँ मैं, मुझे लॉक स्क्रीन को ऐड करना है, तो यहाँ से मैं लॉक स्क्रीन को भी ऐड कर लेती हूँ। तो लॉक स्क्रीन के अंदर हमारी क्या स्टेटमेंट्स गिवन है, लेट्स सी, प्रेस सेंटर बटन टू अनलॉक। ओके, अब जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगी तो ये हमारी जो लिस्ट है वो शो होंगी। जस्ट क्लिक ऑन मेन्यू, इनिशियली हमारा नेव बार है, देन हमारे एक लॉक स्क्रीन है। तो मैं अपनी लॉक स्क्रीन को क्रिएट कर लेती हूँ। तो उसके लिए मेरे पास सिर्फ मुझे एक हेडिंग को ऐड करना है। सो हियर आई विल क्रिएट अ डिव एंड आई विल ऐड अ हेडिंग दैट इज H3 एंड आई विल राइट प्रेस सेंटर बटन टू अनलॉक। ओके, तो यहाँ से मैं अपने इस डिव को क्लास नेम दे देती हूँ, डेट इज माई बॉटम डिव लॉक। ओके, तो इनिशियली अभी हमने कोई भी सीएसएस को ऐड नहीं किया है, तो हमारी जो नेव बार है वो क्रिएट हो चुका है एंड सेकंड हमारी जो लॉक स्क्रीन है उसके अंदर हमारी जो हेडिंग है वो भी हमने ऐड की है, प्रेस एंटर बटन टू अनलॉक, राइट। तो अब हम अपनी इस जो नेव बार और जो लॉक स्क्रीन डॉट जीएस फाइल है उसकी अब
तो यहाँ पे मैं अपनी नैव बार जो हम जो नैव बार हमने क्रिएट किया है उसकी सीएसएस को राइट करती हूँ. से हेयर आई विल राइट बैटरी. ओके तो हमारी जो नैव बार डॉट जेएस फाइल थी उसमें जो हमारी बैटरी की इमेज है उसका क्लास नेम क्या है? बैटरी. ओके सो उसकी बैटरी की जो विड्थ है इसको मैं मेंशन कर देती हूँ 22 पिक्सल एंड उसकी हाइट को मैं मेंशन कर देती हूँ 20 पिक्सल. ओके ओके हमने नेवबार को अपने इस जेएस फाइल में ऐड नहीं किया है सीएसएस फाइल को तो यहाँ से मैं ऐड कर लेती हूँ. लेट्स सी तो ये हमारा आईपॉड विजिबल है. करंटली हमारा टाइमिंग क्या हुआ है? 7:30. ओके हमारा टाइमिंग विजिबल है और हमारी जो बैटरी का लोगो है उसको वो भी हमारा विजिबल है और ये हमारी क्या है? लॉक स्क्रीन है. ओके तो हम इसकी सीएसएस प्रॉपर्टी को राइट करते हैं. तो ये जो हमारा बैटरी का जो इमेज है इसका डिव क्या है? राइट कंटेनर नेव. तो इसमें मैं अपनी सीएसएस प्रॉपर्टी को ऐड करती हूँ. जस्ट कॉपी दिस. हियर आई विल राइट डिस्प्ले फ्लेक्स फ्लेक्स डायरेक्शन रो मार्जिन दे देती हूँ मैं लेफ्ट साइड में 15 पिक्सल. ओके अब ये जो हमारा मेन डिव है डेट इज बार जो हमारा नैव बार है इसकी इसमें मैं दे देती हूँ इसकी विड्थ और हाइट को मेंशन कर देती हूँ डॉट बार. मैं मार्जिन दे देती हूँ टॉप से डेट इज -1 पिक्सल. डिस्प्ले फ्लेक्स कर देती हूँ ताकि ये रो में आ जाए और विड्थ दे देती हूँ 270 पिक्सल. आई विल गिव सम हाइट डेट इज 20 पिक्सल. लेट्स सी इट इज लुकिंग गुड बट थोड़ा सा और सही करना है. तो यहाँ से मैं इसकी मिनिमम हाइट दे देती हूँ डेट इज 20 पिक्सल और इसका बैकग्राउंड कलर मैं ऐड कर देती हूँ ई. ओके बॉर्डर दे देती हूँ बॉटम में 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक. सी जो हमारा नैव बार इसमें हमारी एक बॉर्डर है बॉटम में. ओके जब हम अपने इस सेंटर बटन पे क्लिक करते हैं लेट्स सी है हमारी पास एक बॉर्डर है. ओके तो हमने इस बॉर्डर को क्रिएट किया है और जो हमारा नैव बार है इसकी जो बैकग्राउंड कलर है आप अपने अकॉर्डिंग इसको चेंज कर सकते हो. मैंने करंटली मैंने वाइट रखा है तो मैं इसको वाइट रखती हूँ. आपको अगर कुछ और रखना है बैकग्राउंड कलर तो आप उसके अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो. ओके तो मेरा जो आईपॉड हेडिंग है इसमें मैं थोड़ी मार्जिन दे देती हूँ दैट इज 1 पिक्सल फ्रॉम टॉप एंड बॉटम एंड लेफ्ट टू राइट से मैं 5 पिक्सल दे देती हूँ फॉर स्पेसिंग. और इसमें थोड़ी सी पैडिंग दे देती हूँ दैट इज 0 पिक्सल. ओके अब जो मेरा टाइम है इसको भी मैं करेक्ट कर लेती हूँ. करंटली जो मार्जिन है इसमें मैं 0 पिक्सल दे देती हूँ और जो पैडिंग है इसमें भी मैं 0 पिक्सल दे देती हूँ. मैं मार्जिन को रखती हूँ ऑटो. लेट्स सी
तो हमारा नया बार जो है क्रिएट हो चुका है। करंटली हमारा टाइमिंग 7:34 है। ओके, तो हमारा नया बार क्रिएट हो चुका है। अब मेरी जो ये लॉक स्क्रीन है वो भी क्रिएट हो चुकी है, हमारा जो व्हील है वो भी क्रिएट हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, जो ये हमारा ऐप डॉट जे एस कॉम्पोनेंट है इसके अंदर मुझे ऐड करनी है अपना जो डिस्प्ले डॉट जे एस है और व्हील डॉट जे एस है, और इसको मुझे एक सिंगल डिव के अंदर रखना है ताकि जो ये मेरा आईपॉड का जो बॉर्डर है इसको भी मैं करेक्ट कर सकूं। ओके, हो चुका है, हमने ये अपने व्हील को क्रिएट कर लिया, हमने अपने नेवबार को क्रिएट कर लिया, और करंटली हमारी जो टाइमिंग है वो भी 17:46 है, राइट 17:49। ओके, अब मैं क्या करूंगी, जो हमारी लॉक स्क्रीन डॉट जो जेएस फाइल है जिसके अंदर हमारे पास ये हेडिंग लिखी हुई प्रेस एंटर बटन टू अनलॉक, इसमें मैं अपनी सीएसएस प्रॉपर्टीज को ऐड करती हूँ। तो मैंने यहाँ पे अपनी लॉक स्क्रीन डॉट सीएसएस फाइल को ओपन कर लिया है, और इसके अंदर मैं क्या करती हूँ, ऐड करती हूँ अपनी सीएसएस को। ओके, तो इसके अंदर जो क्लास नेम है वो क्या है, बॉटम ड्यू लॉक। तो यहाँ से मैं कॉपी कर लेती हूँ बॉटम ड्यू लॉक क्लास नेम को। ओके, और अपनी सीएसएस प्रॉपर्टी फाइल में आती हूँ। आई विल राइट विड्थ, विड्थ इज माई 20 to 70 पिक्सल। ओके, तो जो हमारी एडिंग है उसकी जो डिव है उसकी विड्थ मैंने 270 पिक्सल ली है। यहाँ पे मैं हाइट दे देती हूँ 40 पिक्सल, और उसका बैकग्राउंड कलर में मेंशन कर देती हूँ ओके। तो यहाँ से मैं डिस्प्ले प्रॉपर्टीज ऐड करती हूँ, डिस्प्ले फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट सेंटर अलाइन आइटम सेंटर, ताकि जो हमारी हेडिंग है वो हमारी सेंटर में रहे। ओके, देन आई विल ऐड माय फॉन्ट साइज दैट इज 15 पिक्सल। ओके, तो हमने अपनी सीएसएस प्रॉपर्टीज को क्रिएट कर लिया है। तो मैं अपनी जो हमारी सीएसएस फाइल है इसको मैं ऐड करती हूँ अपनी जेएस फाइल के अंदर। सो हियर आई विल राइट इंपोर्ट सीएसएस लॉक स्क्रीन डॉट सीएसएस। ओके, तो हमने अपनी जो लॉक स्क्रीन डॉट सीएसएस फाइल के अंदर हमने इसके बैकग्राउंड कलर को मेंशन किया था। ओके, तो जो हमारा नेवबार का जो कलर है, नेवबार का जो हमारा बैकग्राउंड कलर है और जो हमारा हेडिंग का जो बैकग्राउंड कलर है वो सेम है, तो हमने इसके बैकग्राउंड कलर को सेम रखा है। अब मैं क्या करती हूँ, अपने डिस्प्ले डॉट जे एस फाइल के अंदर आती हूँ जिसके अंदर हमारा नेवबार एंड लॉक स्क्रीन है। मैं यहाँ क्या क्या करती हूँ, जो नेवबार और लॉक स्क्रीन है वो एक सिंगल डिव के अंदर मेंशन है, डेट इज डिस्प्ले। तो यहाँ से मैं एक डिस्प्ले सी एस एस फाइल को भी क्रिएट कर लेती हूँ। ओके, अब इस सी एस एस फाइल के अंदर मैं ऐड करती हूँ अपनी डिस्प्ले डॉट जे एस की प्रॉपर्टीज। ओके, सो हियर आई विल राइट डिस्प्ले, तो मैं इसका बैकग्राउंड साइज दे देती हूँ कवर, बैकग्राउंड में पोजीशन मेंशन कर देती हूँ सेंटर। ओके, और इसकी जो विड्थ है वो हमारी उतनी होगी जितनी हमारी हेडिंग की विड्थ है, उसको हमने कितना लिया था 270 पिक्सल लिया था, और जो हाइट है उसको मैं मेंशन कर देती हूँ 210 पिक्सल। लेट्स सी, अभी हमने अपने डिस्प्ले डॉट सी एस एस फाइल को ऐड नहीं किया है, तो मैं सबसे पहले ऐड कर लेती हूँ। सो हियर आई विल राइट इम्पोर्ट सी एस एस, then I will add display dot css. okay, let's see, तो हमारी जो width है वो कितनी है 270 pixel, और height को भी हमने 270 pixel लिया है, उसको check करने के लिए तो मैं यहाँ से क्या border दे देती हूँ। तो हम अपने display dot css file के अंदर आते हैं, और यहाँ से मैं border दे देती हूँ 1.5 pixel something solid ब्लैक। ओके, और मैं यहाँ से
मार्जिन दे देती हूँ टॉप से, दैट इज 25 पिक्सल। डिस्प्ले कर देती हूँ फ्लेक्स एंड फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, ताकि जो हमारा नया है नया बार है और जो हमारी हेडिंग है वो हमारी कॉलम में आए। लेट्स सी, इट्स सिमिलर। बाकी जो हमारा व्हील है वो भी क्रिएट हो चुका है, और जो डिस्प्ले डॉट जे एस फाइल है इसके अंदर हमने अपनी नैव को भी क्रिएट कर लिया है और लॉक स्क्रीन को भी क्रिएट कर लिया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें जो फंक्शनैलिटी है वो ऐड करनी है कि हम अपने व्हील को, जब हम अपने व्हील को रोटेट करेंगे तो हमारी जो लिस्ट है वो ओपन होनी चाहिए। लाइक जैसे इसमें हम अपने व्हील को जब हम रोटेट करते हैं, सबसे पहले मैं अपने सेंटर बटन को क्लिक करती हूँ, जब मैं अपने व्हील को रोटेट करती हूँ तो हमारा ये जो लिस्ट है वो ओपन होती है। जैसे म्यूजिक पे क्लिक किया तो म्यूजिक ओपन हो गया, गेम्स पे क्लिक किया तो गेम्स ओपन हो गया, सेटिंग्स पे क्लिक किया तो हमारे सेटिंग्स के अंदर हमारे ये ऑप्शंस आ गए। तो सबसे पहले मैं जितने भी हमारी जेएस फाइल है उसको क्रिएट कर लेती हूँ। जब सबसे पहले मैं अपनी थीम डॉट जेएस फाइल को क्रिएट करती हूँ, थीम डॉट जेएस फाइल के अंदर हमारे पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, है ना, हमारे पास हम जिसमें हम अपने थीम को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, हमारे पास व्हील कलर को भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं, हम अपने वॉलपेपर को भी चेंज कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए भी मैं अपने क्या करती हूँ, अपनी जो जेएस फाइल है इसको क्रिएट कर लेती हूँ। ओके, तो ये सब जो डिज़ाइन है वो हमारा बन चुका है। बाकी जो इंटरनली हमें आईपॉड प्रोजेक्ट के ऊपर वर्क कैसे करना है, इसकी फंक्शनैलिटी कैसे होगी, तो सबसे पहले मैं अपने क्या करती हूँ, जो जितनी भी हमारी जेएस फाइल है उसको क्रिएट कर लेती हूँ, जिसके अंदर हमारे क्या आएंगे, मेन्यू आइटम्स आएंगे। हमारे मेन्यू के अंदर कौन कौन से आइटम्स हैं, नाउ प्लेइंग, म्यूजिक, गेम, सेटिंग्स। तो उसके बाद मैं अपनी म्यूजिक डॉट जे एस फाइल को भी क्रिएट करूंगी, जिसके अंदर हमारे पास म्यूजिक आइटम्स होंगे, गेम्स डॉट जे एस फाइल को क्रिएट करूंगी। फिर उसके बाद मैं अपनी सेटिंग डॉट जे एस फाइल को क्रिएट करूंगी, जिसके अंदर हमारे पास क्या आएंगे, सेटिंग डॉट जे एस फाइल के अंदर हमारे पास ये थ्री ऑप्शन होंगे, और थीम को क्लिक, थीम डॉट जे एस फाइल को भी मुझे क्रिएट करना है। तो हमारे पास लॉट्स ऑफ जे एस फाइल क्रिएट करना है, ये जितनी भी हमारी लिस्ट है इसके लिए। ओके, तो हम अपनी जे एस फाइल को क्रिएट कर लेते हैं। तो मैं अपने कंपोनेंट फोल्डर में आऊंगी, तो यहाँ से मैं क्रिएट कर लेती हूँ। सबसे पहले मैं क्रिएट करती हूँ मेन्यू डॉट जे एस फाइल। ओके, तो हमारी जो मेन्यू डॉट जे एस फाइल है इसके अंदर हमारे पास कितने ऑप्शंस हैं, इसके हमारी जो मेन्यू जो डॉट जे एस फाइल है इसके अंदर हमारे पास कितने ऑप्शन है, फोर ऑप्शन है, नाउ प्लेइंग, म्यूजिक, गेम्स एंड सेटिंग्स। ओके, मुझे ये फोर ऑप्शन को ऐड करना है अपने इस मेन्यू डॉट जे एस में, राइट। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्लास ऐड कर देती हूँ मेन्यू, देन आई विल राइट एक्सटेंड्स रिएक्ट कंपोनेंट, देन आई विल राइट रेंडर रिटर्न। ओके, और मैं अपने इस क्लास को एक्सपोर्ट कर लेती हूँ यहाँ से, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट मेन्यू। और यहाँ से मैं इंपोर्ट कर लेती हूँ हमारा जो रिएक्ट है इसको, सो हियर आई विल राइट इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। ओके, तो इस तरह हम अपनी मेन्यू डॉट जेएस फाइल को क्रिएट करेंगे। मेन्यू डॉट जेएस फाइल के अंदर हमारी फोर आइटम्स हैं, दैट इज माय